नमस्ते दोस्तों, राधा स्वाद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी मठरी की रेसिपी। ये काजू मठरी है और ये मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये मठरी। तो चलिए फ्रेंड्स, मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप से थोड़ा सा कम मैदा लिया। ये ग्राम में लगभग 170 से 80 ग्राम के करीब मैदा है। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके, और थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक इसमें ऐड करेंगे। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी। इससे मठरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब मेल्टेड घी। आप चाहे तो बटर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसे मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया, और जब हम इस तरह से मैदे को बाइंड करेंगे तो ये अच्छे से बाइंड होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, बेकिंग पाउडर लूँगी 1/2 छोटी चम्मच के करीब। और इसे भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी क्वांटिटी हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और अच्छे से फिर से इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसका डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करेंगे, और डो हमें हार्ड यहाँ पर लगाना है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें डालेंगे। अगर ज़्यादा पानी एक बार में डाल देंगे तो डो गीला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का हमें डो लगाना है, और डो को हम लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे कवर करके। 15 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं और डो हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस हम इसे किचन काउंटर पे रखेंगे और बस हम इसे एक बड़ा सा इस तरह से गोल सा बना लेंगे। और इसे अब हम बेलन की मदद से बेलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें क्रैक्स दिख रहे हैं, तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पर इसे बेलना है। और इसकी थिकनेस जो है हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से रखना है, जो हम रोटी या स्टफ पराठा बनाते हैं उस तरह का मोटा रखना है। और अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो इसे कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर कुकी कटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप कोई भी जो बॉटल होता है उसका आप ढक्कन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से देखिए कट करना है। पहले हम इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लेंगे, उसके बाद हम देखिए इस तरह से काजू सेब का हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा रखना है तो आप छोटा ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कुकी कटर लिया है, इसलिए ये इसका जो शेप है थोड़ा सा बड़ा निकल रहा है। तो इसी तरह से हम पूरा मठरी जो है कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये कट हो रहा है, और आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि इसे काजू मठरी ही बनाना है। तो इस तरह से सारे मठरी को हम कटिंग करके एक मैंने लाइन निकाल लिया, उसके बाद हम सारा इसी तरह से कट कर लेते हैं। और बाकी का जो डो बचेगा उसे हम फिर से उसका बॉल बना के फिर से हम उसे बेल के इसी तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारा कट कर लिया है काजू मठरी, और अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। गैस पे मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉल डाल के देखूंगी तेल का टेम्परेचर कितना है। तो आप देखिए बॉल डालने के बाद थोड़ा देर के बाद इसमें बबल्स निकल रहे हैं, यानी तेल का टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए। तो इसी तरह का तेल में हम मठरी को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जितना मठरी कढ़ाई में आ जाएगा उतना हम डाल देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। इसे अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब सब ये ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे हल्के हाथ से सारा पलटेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल अंदर तक क्रिस्पी बने। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मठरी को फ्राई करते हुए, और उसका साइज़ आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा हो गया है, बिल्कुल फूल गया है। और बहुत ही अच्छे से इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा बट ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, लगभग 10 मिनट हो गए मठरी को फ्राई करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैं इसे बीच बीच में हिलाते हुए फ्राई कर रही हूँ, और इसका जब तक बिल्कुल अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट में हमारा जो मठरी है लगभग अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे बहुत ज़्यादा अब नहीं डार्क करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये मठरी बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से बाकी का जो मठरी है उसे भी फ्राई करेंगे। दूसरा बैच डालने के लिए हम तेल का जो टेम्परेचर है कम करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। उसके बाद जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया था उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा बैच फ्राई कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें मठरी को फ्राई करना है, तभी ये बिल्कुल क्रिस्प होंगे अंदर से, अच्छे से ये सिक पाएंगे। तो इसे भी हम इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे जब तक ये ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद ही हम पलटेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम बंद ही रखा है, जितना तेल का टेम्परेचर था उसी में ये मठरी फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारा ऊपर आ गया है, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम फिर से फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसेस से।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा बैच भी जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया, आप इसके लेयर्स देख पा रहे होंगे, मटरी में बहुत ही अंदर से क्रिस्पी बना है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे और हमारा ये काजू मटरी बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। आप इसके लेयर्स देख पा रहे होंगे, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से इसका जाली देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो आप इसे चाय के साथ छोटी मोटी भूख में इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।